बता देना कि जितना भी हल्ला गुल्ला करना है वो गेट से पहले कर लेना। एंट्री के फाइनली हमें दिख चुका है टाइगर। यहाँ पे आसपास में कहीं टाइगर है तो उसके बाद हम वेट करते हैं। खराब हो गई हमारी गाड़ी हार्दिक। सबने काल मूवी तो देखी होगी और उसकी 75% शूटिंग जिम कॉर्बेट जंगल में ही हुई है। फाइनली वो मोमेंट आ चुका है, अभी हमारी गाड़ी हो रही है यहाँ पर पार्क और हमारी सफारी की गाड़ी खड़ी है वो जिप्सी, तो अभी हम उसी में ही जाने वाले हैं। हम एक्चुअली कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक? सॉरी 1 किलोमीटर दूर है और उसके बाद सफारी शुरू होगी। 2-2.5 घंटे का सफर है जी। मैडम पूरा सेट? यस फुल ऑन सेट, मैं पहले भी सफारी कर चुकी हूँ। तो आप हमारी आज इसलिए गाइड बनी हुई हो, ये देख लो भाई हम सारे व्हाइट में आज मैडम हमारी गाइड बनी हुई है। तो गाइड अलग दिखना चाहिए ना। हाँ एग्जैक्टली वो देखो। हाँ हम नहीं लेके जा रहे तुझे, तू यहीं रह। आ काता काता बाय बाय। गाइस अब आपको मिलेंगे हम सीधा सफारी पर और सीतामणि जा रहे हैं हम गाड़ी पे भाई, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अब बस मेरे को वो वाला वो अपनी डून सफारी याद आ गई है जो हमने जैसलमेर में करी थी, बट आज रियल वाली जंगल सफारी करने वाले हैं। तो देखते हैं, वो एक्सपीरियंस अलग था और ये वाला एक्सपीरियंस अलग है। तो यहाँ तो जंगली जानवर भी है भाई, तो देखते हैं हमें कौन मिलता है कौन नहीं। तो गाइस ये आज हमारी जीप जो कि हमारी हमें सफारी के लिए लेके जाएगी और ये हमारे गाइड। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम ललित मोहन पांडे है। तो आज के जंगल सफारी का नेचर गाइड हूँ। आज आपको हर तरीके की चीज, नए नए चीजें से आज रूबरू कराएंगे आपको। तो भैया टाइगर दिखेगा मैं नहीं दिखेगा? लग बाई चांस है सर, लग बाई चांस है। तो ऐसी जगह तो हमें लेके चलना कि जहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो टाइगर दिखने की। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेके चलेंगे आपको। तो भाई आई होप कि हमें दिख जाए टाइगर और भैया जो हमारे साथ जा रहे हैं वो हमारे साथ हमें भाई और अच्छे से जंगल को दिखाएं, जैसे कि हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि बताते भी है कि भाई ऐसे ही रोड से सीधा निकाल लेते हैं सफारी के लिए, अंदर तक नहीं लेके जाते या मेन पॉइंट तक नहीं लेके जाते। तो भैया आज कह रहे हैं कि मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। हाँ भैया 100% हमारा पूरा 100% रहेगा आपको। चलो थैंक यू सो मच भैया। अरे कितने साल का एक्सपीरियंस है भाई आपको कॉर्बेट का? 15 साल। 15 साल का, तो आपको तो भाई चप्पे चप्पे का पता होगा टाइगर कहाँ मिलते हैं। एक तो टाइगर का कोई पार्टिकुलर स्पॉट होता नहीं है, कभी सडनली भी दिख जाता है या कभी कोई मूवमेंट होती है तो डियर मंकी अलार्म कॉल करते हैं, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे आसपास में कहीं टाइगर है। तो उसके बाद हम वेट करते हैं कितनी बार सक्सेस भी हो जाते हैं कितनी बार नहीं भी हो पाते। ओके तो गाइस फाइनली हमारी सफारी हो चुकी है शुरू। तो बता देना कि जितना भी हल्ला गुल्ला करना है वो गेट से पहले कर लेना। एंट्री के बाद तो साइलेंट मोड में हो जाना उसके बाद। पता तो ठीक है भैया, और क्या क्या? कोई भी जो है खाने पीने की चीजें बाहर नहीं फेंकनी, पानी की बोतल वगैरह आप अपने पास ही रखना, और कोई भी जानवर दिखे तो आप हमें बताना, हम गाड़ी रुकवाएंगे आराम से देखेंगे शांति से। लग रही है ये लग रही है जितने भी हमारे जीप सफारी कराने वाले हैं ना वो यहाँ से परमिशन स्लिप लेते हैं जिससे कि आगे जाने का परमिट मिलता है। हमारी हमारी बच्चों वाली ड्यूटी हम पीछे भी निभा रहे हैं। हाँ जी सभी जी क्या बोला जाएंगे? बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है अभी तक का। एंड दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि कुछ नहीं जाए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। मैंने भी देखा। सो गाइस हमें सेकंड दिखा है एक बड़ा सा आउल, वो बैठा पेड़ पे आप देख सकते हैं। तो सो गाइस ये है प्लेस ग्रासलैंड जो टाइगर का बेस्ट हंटिंग प्लेस है। यहाँ पे जैसे हिरण घास वास खाने आते हैं तो भैया ने बताया कि सबसे ज्यादा शिकार यहीं पे ही होता है। जिसने अभी तक डिसेंट रेंज ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई आपको आपकी लाइफ में एंटरटेन के लिए हमारा चैनल जो है डिसेंट रेंज ब्लॉग को देखने के लिए भाई इतना तो एफर्ट कर ही सकते हो ना आप, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जिंदगी के मजे तो इसके हैं, ठंडी ठंडी हवा में आराम से सो रहे हैं। भैया ऐसा कुछ हो कि सामने आ जाए तो भागना चाहिए या क्या करना चाहिए? ना ना गाड़ी से नहीं उतरना किसी भी कंडीशन में, हम भले ही भाग जाए आप बैठे रहना।
ये क्या है भैया? भैया देखो जो आगे रहेगा वो इसे भागने में धमाल मूवी नहीं देखी हो कहता तू शेर से तेज भाग लेगा लेकिन नहीं मुझे तो तुम लोगों से तेज भागना है। हमें एंट्री पास तो वहाँ से मिल गया था और अब यहाँ पे हमें कम से कम 15-20-25 मिनट की सफारी के बाद अब यहाँ पे हो रही है चेकिंग और उसके बाद मेन सफारी स्टार्ट होगी हमारी जंगल की। तो ट्रेलर चल रहा था अभी तो मूवी स्टार्ट होगी। ये तो मेन एंट्री है, यहाँ तक तो हम पहुँचे मेन सफारी पे जाने के लिए। यहाँ से मेन सफारी स्टार्ट, गुलगुले खाए जा रहे हैं एंट्री से पहले। मोहिनी बुआजी स्पेशल गुलगुले चल रहे हैं यहाँ। सफारी स्टार्ट होगी, जंगल सफारी मजा आ रहा है। कहाँ से आए हो आप? पूना। नाइस टू मीट यू। सो गाइस ये हो रही है हमारी एंट्री चेक और हमारी मेन सफारी। अरे पर्ची तो लेना, ले ली हमने। थैंक यू भैया। अभी तो हम चल रहे थे रोड पर जो वही कंक्रीट की रोड थी, अब है हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट और ये है मेन जिम कॉर्बेट जंगल शुरू। गाइस आप सब ने काल मूवी तो देखी होगी और उसकी 75% शूटिंग जिम कॉर्बेट जंगल में ही हुई है और यही रोड है जो उस मूवी में दिखाया गया है और ये सारे पेड़ हैं काल के पेड़ और भैया का ऐसा बताना है कि इनकी कोई प्लांटेशन नहीं होती, ये खुद ही उगते हैं। गाइस ये देखो ये इतना बड़ा है दीमक का घर और कहते हैं कि जो दीमक का घर होता है ना जितना ऊपर होता है उतना ही जमीन के नीचे भी होता है। इस तरीके से एक हेल्दी फॉरेस्ट का इंडिकेशन है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन का काम करता है। देखो कितना कुछ जानने को मिल रहा है आके भैया से हमें और आपको भी साथ बता रहे हैं। तो जो डेड हो जाते हैं ना पेड़, हाँ जी, जो उसको खा के डीकम्पोज करता है तो वहाँ पे नया पेड़ आता है। अरे अगर ये उसको डीकम्पोज नहीं करेगा ना तो जंगल आगे भी नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, जो डेड है फिर वो डेड ही पड़ा रहेगा ना। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे स्मेल करके देखो फ्रेश ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन ऐसा लग रहा है सच में फ्रेश। मैं तो कह रही लोम विलोम कर लो, प्योर ऑक्सीजन मिल जाएगी आज ही कर लो सारा। हमें दिल्ली में नहीं मिलती आज ही सारे रामदेव बाबा बन के जाएंगे। कमान अभी आ चुकी है मेरे हाथ में, मैडम ने अबू को पकड़ लिया है और अब मैं आपको इंटरटेन करूंगा आके। तो अभी हम है जंगल के बीचों बीच और अभी तक हमें कुछ खास दिखने को नहीं मिला है, बट होप पूरी है कि कुछ ना कुछ दिखेगा और देखते हैं भाई आगे और। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कभी भी सोचा जाए कभी भी उठ जाता है। सो गाइस ये देखिए कितनी सफारी की गाड़ियाँ जा रही हैं बैक टू बैक एक साथ और आगे भी और पीछे भी। ओ वाओ ये देखो अब हम जाएंगे पानी के बीचों बीच। यो ये है रियल एडवेंचर उमंग जी। बिल्कुल बिल्कुल ये है रियल एडवेंचर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये लो जी पानी के बीचों बीच। खराब हो गई हमारी गाड़ी हार्दिक। खराब हो गई? हाँ। जाएंगे कैसे पता नहीं। सो गाइज ये देखिए ये है पैरासाइट ट्री, जो अंदर पेड़ है ना इसके, ये तो मतलब पहले जो पेड़ था, ये जो ऊपर से इसको कवर कर रहा है ना ये पेड़ इसके सारे न्यूट्रिशन ले लेगा और अपनी जगह बना लेगा इसको। भाई पूरा जीप पे हमला कर दिया बंदरों ने। और गाइज ये देखो तो रोड इतने ऑफ रोडिंग है ना, मैंने आज तक नहीं गई। लास्ट टाइम हमने ऑफ रोडिंग की थी जब हम दूध सागर जा रहे थे गोवा से, है ना। सो गाइज उससे भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ के जंगल और यहाँ के रोड। वाओ इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना फ्रेश फील, फ्रेश स्मेल, सब कुछ बहुत अच्छा है। मजा एयर प्यूरीफायर लगे हुए हैं जगह जगह हैं, ये सारे गाइज एयर प्यूरीफायर हैं, ये इतने बड़े बड़े ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाए। अरे बच्चों को तो यही वेट हो रहा है कि टाइगर दिख जाए, टाइगर दिख जाए। अरे हम तुम दोनों अपने अपने पापाओं को देख लो ना, ये तुम्हारे साथ तो बैठे हैं। तो यहाँ पे ना ये देखो कई जगह काला काला सा दिख रहा था, तो हमने भैया से पूछा कि ये क्या, क्यों इतना काला काला, यहाँ आग लगी थी क्या? तो ये एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ही यहाँ पे फायर जलाते हैं, कंट्रोल फायर जिसको बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का देख लो इफेक्ट, ये कभी नदी थी और ये बिल्कुल सूखी हुई है। और मैं सामने दिखा देता हूँ ये जो पहाड़ है, ये आपको नैनीताल के पहाड़ दिख रहे हैं, वही है सारा नैनीताल। थोड़ा सा राइट साइड में घर वगैरह बने हुए हैं, वो पूरा नैनीताल है। और कहाँ खड़े हो गए? ओ माई गॉड।
तेरी पागल बनाते हैं। सो गाइस फाइनली हमें दिख चुका है टाइगर। ये आपके हिसाब से क्या था ये टाइगर ही था? हमारे तो टाइगर था, जैसे चल रहा था वो उसका स्टाइल तो ये बता रहा था कि टाइगर मेल टाइगर था। भाई भैया ने तो बता दिया होगा मेल टाइगर है वो। यार देखो तो शांत परे मन की हो गई। हाँ भाई इतनी दूर से टाइगर पहली बार में दिख गया ये। कह रहे भैया ने दिखा दिया। अरे यार दिखाया तो मैंने कहा है कि मैंने कहा भैया एक मिनट रुको वहाँ दिखाया मेरे को। देखो हमारी जीप सारी कैसे जा रही है जो कि एक ही टाइम पे और सबका ऑलमोस्ट सफर हो चुका है खत्म। पीछे भी कुछ आ रही है वो देखो वो काफी दूर है और ये हमारे सामने। सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा सफारी के लिए। जीप वाले भैया हैं दोनों वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी चीजें बताई है हमें, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आ गया। कहते हैं जंगल का पहली बार किया और पहली बार हमें टाइगर दिखाई दिया। दिनेश का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने अपनी पार की नजरों से टाइगर को ढूंढा और हमें दिखाया। सो गाइस अभी टाइम है जीप को टाटा अलविदा कहने का क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है। तो हमारा इसी के साथ ये सफारी ब्लॉग भी होता है यहीं पे खत्म। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह सब कर देना क्यों भाई। और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, आपको कसम नहीं दे रहा मैं किसी की। नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डिसेंट नेक्स्ट व्लॉग। बाय।